सबसे पहले मशरूम उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है कि अपने पास दो टाके की जरूरत पड़ती है, तो एक टाके में क्या साफ पानी लेते हैं, उसमें क्या भूसा को धो लिया जाता है, और दूसरे वाले टाके में केमिकल वाला पानी रहता है, उसमें फार्मेलिंग लुवान और वाविस्टिंग पाउडर रहता है, तीनों का मिश्रण रहता है। तो 100 लीटर उसमें मिश्रण को क्या 100 लीटर पानी में 130 ml अपना जो मिश्रण रहता है तीनों का वो मिक्स करके उसमें डालते हैं। तो सबसे पहले क्या भूसा को धो लिया जाता है, धोने के बाद केमिकल वाले पानी में डाल दिया जाता है, उसमें रात भर रहने देते हैं, और फिर दूसरे दिन क्या टोकने में निकाल दिया जाता है कि उसका पूरा पानी निथर जाए। उसके बाद ढलांग वाली जगह पे एक फट्टा साफ सुथरा बिछा के उस पर ढलांग वाली जगह पर रख दिया जाता है कि उसका पूरा पानी निकल जाए, पूरा वाटर लेवल उसका निकल जाए। उसके बाद पन्नी होती है HM 14x21 की, उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या भूसा को भरा जाता है, फिर उसके बाद स्पॉन्ज डाला जाता है, फिर भूसा भरा जाता है, फिर स्पॉन्ज डाला जाता है। तो एक पॉलीथीन में 3 लेयर डाली जाती है, तो अपनी पॉलीथीन आपको बताएंगे कि कैसे डाली जाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पॉन्ज में 3 लेयर डाली जाती है, तो पहली लेयर सबसे नीचे डाली जाती है, पहले भूसा डाला जाता है, फिर स्पॉन्ज की एक लेयर डाली जाती है, फिर भूसा डाला जाता है, फिर स्पॉन्ज की लेयर डाली जाती है, फिर भूसा डाला जाता है, फिर स्पॉन्ज की लेयर डाली जाती है। तो एक बैग में 3 लेयर डाली जाती है जिसमें 50 से 60 ग्राम स्पॉन्ज आता है। एक बैग में कितनी लेयर आती है? एक बैग में 3 लेयर आती है। अच्छा, एक बैग में 3 लेयर आती है। तो पहली लेयर यहाँ पे डालते हैं नीचे 4 ml पे, फिर भूसा डाला जाता है, फिर दूसरी लेयर डाली जाती है। तो एक पॉलीथीन में 3 लेयर डाली जाती है, उसके बाद बैग को तैयार करके। अच्छा, ये बैग तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार होके जो अपने कमरा तैयार किया है उसमें ले जाके रखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बैग तैयार किया है, जो अपने कमरा तैयार किया है, उसमें लाके अपन क्या इसको रख दिया जाता है। तो क्या सीढ़ी नुमा करेंगे तो पैकेट अपने क्या ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, तो बैग लाके इसमें रख दिया जाता है, और नीचे क्या रेत बिछाई दी जाती है इसकी ठंडाई के लिए, कि जो अपन बैग अपन ने तैयार किया है इसमें क्या 20-21 दिन अपन क्या पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक पूरा पैकेट वाइट ना हो जाए, पूरा फैल के स्पॉन्ज सफ़ेद ना हो जाए, जब तक इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती पैकेट में। उससे पहले नीचे क्या रेत गीली करके रखना पड़ता है। जब मशरूम पूरा स्पॉन्ज पूरा फैल जाए तो इसमें फिर पानी देना चालू करना पड़ेगा, और आप खुद देखेंगे 20-21 दिन में आपकी पहली फसल निकल जाएगी। ये पूरी फसल 2 महीने की होती है, तो पहली फसल 21 से 25 दिन में निकल जाती है, फिर 5 से 7 दिन का गैप होता है फिर दूसरी फसल निकलती है, फिर 5 से 7 दिन का गैप होता है फिर तीसरी फसल निकलती है। तो 3 फसल के बाद पैकेट को क्या बाहर कर दिया जाता है। पैकेट बाहर करने के बाद पन्नी अगल कर दी जाती है, ये भूसा अपना क्या पानी लगा हुआ रहता है, इससे अपन वर्मी कंपोस्ट भी कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए शेड बनाने पड़ते हैं कि अपना भूसा वेस्ट नहीं जाता है, जो अपना क्या पानी लगा हुआ भूसा रहता है तो उसको क्या वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं, या गोबर की खाद भी बना सकते हैं। इससे अपन क्या गोबर की खाद बना के खेत में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या घाटा वाला कोई रोल नहीं है इसमें, कि अपने उत्पादन लिया, उत्पादन करने के बाद गोबर की खाद बना के अपन खेत में यूज कर सकते हैं। तो किसान वालों को यह भी फायदा है कि भैया खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशरूम करो, मशरूम के बाद गोबर की खाद बन के आप खेत पे भी यूज कर सकते हैं, इससे अधिक से अधिक फायदा होगा।